आपने लॉगिन किया है thefirstmute.in। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के मंच पर बीते वीकेंड सबसे चौंकाने वाला एलिमिनेशन हुआ। सवाई भाट के साथ बॉटम टू में शो के सबसे टैलेंटेड और जनता के चहीते पवनदीप राजन को रखा गया। इसके बाद एलिमिनेशन में सीजन के सबसे ऊंचे सुरों में गाने वाले सिंगर सवाई भाट को बाहर कर दिया गया। लोगों ने शो को स्क्रिप्टेड बताते हुए कहा कि एक बार फिर से औसत सिंगर्स को बचाने के चक्कर में मेकर्स ने टैलेंटेड कंटेस्टेंट को बाहर कर दिया है। मेकर्स पर यह भी आरोप लगा है कि पवनदीप को बॉटम टू में केवल इसलिए रखा गया ताकि कोई सवाल ना उठा सके। एलिमिनेशन के बाद सवाई भाट राजस्थान के नागौर जिले के डीडवाना पहुंचे, जहां ढोल बजाकर सवाई भाट का स्वागत किया गया। एलिमिनेशन के बाद सबसे पहले सवाई अपने ननिहाल डीडवाना पहुंचे। यहां परिजनों व फैंस ने इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान सवाई भाट द फर्स्ट न्यूज के कैमरे पर भावुक हो गए। सवाई ने बात करते हुए कहा कि मैं बहुत बड़े लोगों से मिलकर आया हूं। आज लोगों का यह प्यार देखकर मैं गदगद हूँ। इंडियन आइडल बहुत बड़ा मंच है जहाँ पर गाना हर किसी का सपना होता है। वहाँ परफॉर्म करना हर किसी का सपना होता है, लेकिन फैंस की दुआओं के बदौलत मैं वहाँ पहुँचा। सवाई भाट ने कहा कि इंडियन आइडल के मंच से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। पहली बार डीडवाना पहुँचकर सवाई भाट ने राजस्थानी गाना केसरिया बालम भी गाया, जिस पर सभी फैंस झूमते हुए नजर आए। इस दौरान प्रशंसकों ने सवाई भाट जिंदाबाद का उद्घोष भी किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान सवाई भाट के पिता भी उनके साथ थे। हम लोग इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे नहीं, पूरे राजस्थान को अच्छा लग रहा है कि राजस्थान के सारे लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों का आशीर्वाद तो प्यार ऐसे ही बना रहे हैं मेरे ऊपर, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो राजस्थान से जितने भी कलाकार होंगे, आप सब लोग उनको वैसे ही सपोर्ट कीजिए और राजस्थान के हर बच्चे को सपोर्ट कीजिए कि वो आगे चल के नाम रोशन करें आपका आशीर्वाद से। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना प्यार कर रहे हैं वो ऐसे ही करते रहें। थैंक यू सो मच। मेरी उपलब्ध हुई है बात की जो मैं सुना चाहता हूँ इसको पहुंचा सकूं, आपका आशीर्वाद हुआ। अभी हमें समाई को आगे पहुंचाने के लिए भविष्य में जब भी वोट देने की जरूरत पड़े एक एक वोट हम पूरे
जी पूछिए सवाई जी, आज आपके ननिहाल में उत्साह देखा जा रहा है। हाँ जी। और अच्छा माहौल है, आपका स्वागत किया जा रहा है। इस स्टेज पर किस प्रकार से पहुँचे और किसका पीछे आपके हाथ है? सबसे पहले तो आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार से, अपनी फैमिली से इतना दूर 8 महीना 9 महीना मैं अकेला रह चुका हूँ। और इंडियन आइडल की मैं बात करूँ तो इंडियन आइडल बहुत बड़ा मंच है, वहाँ पे सबका सपना होता है वहाँ पे जाने के लिए। मेरा भी वैसे ही सपना था, पर मैं इस सपने को पूरा नहीं कर सकता था पहले, पर ये काफ़ी लोगों की दुआ हुई मेरे साथ, इतने लोग मुझे प्यार करते हैं तो मैं उस वजह से जा पहुँचा उस वजह से। और ख़ासकर मेरी नानी जो शांति देवी, तो उनका आशीर्वाद था, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया म्यूज़िक में। जितना मुझे बोलते थे कि हाँ ठीक है म्यूज़िक करने दो, इसको म्यूज़िक करो, कभी प्रेशर नहीं दिया मुझे। और मैं ज़्यादा कर मेरे ननिहाल में ज़्यादा रहता हूँ, मैं गांव में थोड़ा बहुत कम रहता हूँ, पर मैं आना जाना रहता मेरा। पर आज जो भी हूँ तो मेरे जितने भी राजस्थान में जितने भी लोग हैं वो सपोर्ट करें, उनकी वजह से भी हूँ और मेरी नानी की वजह से भी हूँ। इतने बड़े स्टारों से आज तक मुलाकात हो चुकी है, और आगे आपका क्या इरादा है? देखिए इंडियन आइडल इतना बड़ा मंच है, वहाँ पर सब बड़े स्टार ही आते हैं वो, और सबका सपना होता है उनसे मिलने के लिए। तो पहली बात, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि मैं इतने बड़े मंच पे जाके आया हूँ और इतने बड़े लोगों से मिल के आया हूँ, क्योंकि एक सपने की तरह होता है, आप समझ सकते हैं इस बात को। और लोग जिस तरह से मुझे प्यार कर रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये प्यार मुझे हमेशा मिलता ही रहे, इतना प्यार करें लोग। और इंडियन आइडल में जाने का सबका सपना होता है, और मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ ये सब लोग, सब दुआ की वजह से हुआ है और सब लोग सपोर्ट की वजह से हुआ है। पूछिए पूछिए तो पूछिए आइडल में आप जो पहुँचे, इस प्रकार की मेहनत किस प्रकार से रही और कैसे समझ तक आप पहुँचे? मेरा बचपन से ही जैसे गाना ज़्यादा सुनना, और मैं बचपन से अपने ननिहाल में ज़्यादा रह चुका हूँ, तो ज़्यादातर जितने भी मेरे मामा जी हैं, छोटे वाले मामा जी, इनका कभी मोबाइल ले लिया, उसमें बड़े उस्तादों के गाने सुनना। और फिर मैंने ज़्यादातर प्रॉपर नहीं सीखा किसी से, और अपने पापा जी के साथ जा जाके कठपुतली का तमाशा दिखा दिखा के उनके साथ कभी ढोलक बजाई, कभी जागरण में ढोलक बजाई, तो ऐसे करके कमाने वाला ही मैं था घर में, तो सारी चीज़ें प्रेशर भी था। पर मैंने अपने म्यूज़िक को नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे गाने का बहुत शौक था, और मैं गाने पे मैंने बहुत मेहनत करी, अपने आप को बहुत गाने को वक्त दिया, रियाज़ किया मैंने, और क्या पता उस टाइम से मुझे भगवान की मर्ज़ी थी तो मैं वहाँ तक पहुँच पाया। आपकी आवाज़ बड़ी सुरीली मानी जाती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज के समय में। थैंक यू सर। थैंक यू। इसके पीछे क्या विशेष राज है? ये सब लोगों का प्यार भी होता है, और फिर मैं रियाज जो मेरा है वो मैं गाने को रियाज भी देता हूँ, और रियाज़ करना मुझे अच्छा लगता है सारा दिन, और बड़े अच्छे आर्टिस्टों से मिलना मुझे अच्छा लगता है, लोग इतने कलाकार मुझे प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। संगत सबसे बड़ी होती है, अगर आपकी संगत अच्छी है तो आप आदमी अच्छे हो, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। तो लोग अभी जो मुझे प्यार कर रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया और क्रिकेट से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द फर्स्ट न्यूज़ .in।